इसमें ये मेरी मम्मी है, ये मैं हूँ, ये चाची है, ये मेरी मामी है, ये दादी है और ये भी मेरी चाची है। हाय, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप तो कैसे मेरे प्यारे दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं हूँ चंद प्रकाश, अंजलि सिंह, स्वागत करता हूँ आप सभी को एक और नए कमाल के वीडियो में। तो चलिए आप गीता को खोलते हैं, प्रारंभ करते हैं वीडियो को। लो, लो। ये है हमारी फर्स्ट पिक शादी का। ये जो है मैं रूम में खिंचवाए थे फोटो, ये सब सेट किया। ये जो हमारा क्वालिटी है ना एल्बम का, काफी अच्छा है, शानदार है, टूटने फूटने वाला नहीं है। देखो इस तरीके से इतना आवाज दे रहा है, ये बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है कि काफी अच्छा क्वालिटी का है। और उन्होंने कहा था कि इसे अगर आप पानी में फेंक देते हैं ना, फिर भी ये खराब नहीं होगा 3-4 सालों तक। और यहाँ पे हम दोनों का कुछ फोटो है कि एल्बम के अंदर है, काफी अच्छा है। आपको छोटा लग रहा होगा लेकिन ये जो एल्बम मैंने काफी बड़ा है। और ये है सेकंड। वाओ, व्हाट अ वंडर, बहुत ही अच्छा लग रहा है ना यार। हम लोग को तो मन ही नहीं कर रहा कुछ बोलने का, मन कर रहा है हम खुद ही देखते रह जाए। और ये है कुछ पिक्चर्स, और ये भी पिक्चर्स है आपका जो नहीं, एक जो फोटो बहुत अच्छा है, एकदम क्यूट लग रहा हो आप। कौन सा पिक्चर दिखा रहे हैं? और ये फोटो है आपके तिलक का, है ना? ये कुछ पिक्चर्स जो हमारे तिलक का है, मतलब छेका अपन कहते हैं। और इधर भी कुछ पिक्चर्स है, आप देख लीजिए, जो कि मेरे तिलक का है, छेका का है। इसमें बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ आप लोगों को। और छेका में तो लॉकडाउन नहीं थे ना, कुछ भी नहीं थे। नहीं, उस समय नहीं था, लगभग लगभग 8 मार्च को हमारा छेका हुआ था। और ये क्लास कितना अच्छा लग रहा है, ये वाली क्लास। हाँ, पापा जी क्लास दिए भाई। और ये मेरे मामा जी है। इस पिक्चर में तो मैं काफी अच्छा लड़ा है ना अंजलि। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे भोज खा रहे हैं सब लोग यहाँ का, है ना? और ये है मटकोर का, जो हम लोग ना एक वीडियो अपलोड किए थे उसमें बताते कि ये मटकोर का है। और ये हम लोग जा रहे थे वहाँ पे नदी के पास। हाँ, मतलब हमारे मिथिला में क्या होता है ना कि मटकोर होता है, मटकोर में जो मिट्टी होता है ना, नदी से या पोखरा से लिया जाता है। और फिर उसी से जो ना चूल्हे बनाते हैं। हाँ। और उसके बाद उसमें कुछ रहता है, उनको भूनते रहते हैं। हाँ, लावा भूनते हैं। लावा। हाँ। इसके बाद यहाँ भी कुछ पिक्चर्स है जो कि अंजलि के मटकोर का है। ये पिक्चर हमारे यहाँ का नहीं, अंजलि के यहाँ का। इसी थाली में जो ना ये वाला मिट्टी देते हैं और फिर उसी से चूल्हे बनाते हैं। इस पिक्चर में अंजलि कौन सा है? इसमें ये मेरी मम्मी है, ये मैं हूँ, ये चाची है, ये मेरी मामी है, ये दादी है और ये भी मेरी चाची है। और फिर मेरी मम्मी को तो सब लोग जानते हैं, वीडियो में भी कितने बार आई है। हाँ। ये भी। और फिर ये जो होता है ना, मतलब गांव में जो पूजा होते है ना, तो अक्षरा में क्या बोलते, उसी में देते है ये वाला धान। और फिर उसी को बांध करके देखो मम्मी यहाँ पे वो चूल्हे बनाएगी इसी मिट्टी से। और ये है रात का मटकोर होते वक्त का, ये वाली पिक्चर। हाँ, जब सब लोग जा रहे थे मटकोर करने तब का पिक है। और ये पिक्चर है, इस पिक्चर में अंजलि मटकोर करने जा रही है, इसमें भी रात पे बैठ के काफी प्रिटी लग रही है। अंजलि पता है ये जो तुम्हारा हुआ था मटकोर, तो लॉकडाउन में हुआ था। हाँ, वो तो लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन में भाई इतने भीड़ हो गया था ना इसके मटकोर में। मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगा मटकोर का वीडियो, जिसमें काफी अंजलि डांस करी है। अंजलि नहीं, पूरे फैमिली डांस करी है उसमें भी लॉकडाउन में। तो शादी का ना कोई डेट नहीं था, मटकोर हो गया। और हाँ, ये वाले पिक्चर है अंजलि की मटकोर का। यहाँ पे जो मटकोर हो रहा है मेरा। अच्छा, यहाँ पे। और यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर। यहाँ पर देखिये, यहाँ पे कुछ लोग डांस भी कर रहे हैं डीजे पे, उसमें भी देखिये। ये मेरे पापा है, मम्मी पापा सब लोग डांस किए थे शादी में। मतलब किसी के भी फेस में मास्क नहीं लगा हुआ उस समय। और टीवी पिक्चर है जो है ना, मतलब बादाम और चावल रहता है ना वो देते हैं, बेटी 10 लोगों को देता है, बेटा 5 लोगों को देता है। अच्छा। तो वही मैं दे रही हूँ 5 लोगों को। तो पता है मामी, हाँ यहाँ पे मामी क्या बोल रही थी, मेरे को आप बहुत ही कम दिए। और ये वाला पिक्चर कौन सा? ये पिक्चर है नीचे वाला, ये मतलब सारे के सारे लोग हैं। हाँ, मतलब मटकोर मटकोर करके आ रहे थे। ये दादी है और ये मेरी चाची है, ये मेरी मामी है और ये भी मेरी चाची है, ये मेरी मम्मी है। ये जो ना इसमें जो ना उनमें ना धान देकर कैसे मतलब कूटते रहते हैं 5 लोग शायद। हम लोगों के मिथिला में क्या होता है ना कि धान कूटने के रिवाज होता है, उसी से पता है उसी से तो लावा भूनते हैं। यहाँ पे जो है ना मेरी मम्मी है, पापा है, मैं हूँ, ये मेरी दादी, ये मेरे दादाजी है, ये मेरे दादाजी। और यहाँ पर भी मम्मी पापा अंजलि सब लोग वेलो वेलो पहने हैं इसमें एकदम पूरा। ये सारे पिक्चर अंजलि के मटकोर का है शादी से पहले का। और इसमें अंजलि के दोस्त लोग हैं और ये दोनों सास बहू है। हाँ, ये मेरी फ्रेंड है, ये भी मेरी फुआ है और हाँ ये भी मेरी फुआ है। और यहाँ पे मेरी दादी और हम फुआ। यहाँ पे देखो सब लोग खिंचवाए हैं, ये मम्मी चाची, ये भी चाची, ये भी चाची। ये देखो क्यूट सा मेरा भाई है, मेरे मेरे मामी का बेटा। और ये आ गया शादी का, जो सुबह में जाते मिट्टी लेने उस दिन का पिक है ये। और यहाँ पे, और यहाँ पे मैं ना ले रही हूँ मिट्टी। और ये है बांस में ना लगाते हो, मड़वा बनता है। जब मड़वा बनता है, मड़वा मतलब मंडप, उस समय बांस का मड़वा बनता है, मंडप बनता है। और
पास में मतलब डेकोरेशन होता है, ये उस समय का पिक्चर अंजलि का है। और ये जो है पांच लोगों को लगाते हैं, जो मतलब शादी शुदा लोग हैं उनको पांच ऐसे थप्पा देते हैं कपड़ा पे। तो देखो मैं दे रही हूँ 1, 2, 3, 4, 5 मेरे पांच लोगों को। और ये फोटो जब बन रहा था मंडप तब का मैं क्लिक करवाई हूँ, और ये फोटो उसी मंडप का है। ये मेरी मम्मी है, और ये हाँ ये फोटो शादी का जो वो जो जो आम्बो ब्याह होता है ना उनका है। पता है आम्बो ब्याह में ना जब मैं आई बाहर तो पता है पापा जी आ गए थे, पापा जी को मैं देखी। यहाँ से हो गया हमारे शादी का जो रस्म था वो स्टार्ट। और देखिए इसमें मेरे दोस्त है बिरेंद्र, चंदन जी, धीरज और मैं। इसके बाद यहाँ पर भी अंजलि के साथ अंजलि के मामी बहन दादी, इनको देखो। और ये क्यूट सी पड़ी ना शादी में बहुत अच्छी लग रही थी। ये अंजलि की छोटी सी बहन है, मामी की बेटी। और इसमें जो परीक्षण होते हैं वो हो रहा है आपका, पता है इसमें ये मेरी दादी है, ये मेरी मामी है, ये मेरी मम्मी, ये मेरी चाची है। बाकी तो आप सबको पहचानते ही हैं लोगों को, सारे के सारे फोटो। और ये भी मेरी चाची है, ये भी चाची है, ये मेरी मासी है, ये मेरी दादी है, ये मेरी मासी है, ये मेरी दादी है, और ये भी मेरी दादी है। और ये सब दिख नहीं रहा है ये कौन है। हाँ ये भी मेरी दादी है, और ये मेरी फुआ है, और ये भी गाँव की दादी है। और यहाँ पे आपको जब लेके जा रहे थे, हाँ जब लेके जा रहे थे तब पता है, देखिए गोदी उठा के ले जाता है। काफी अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है अपन को। देखिए इसमें अंजलि के जो भाई लोग हैं ना, ये हमें गोदी में उठा के ले जा रहे हैं स्टेज पे। इसमें आप बहुत अच्छा लग रहे हो इस फोटो में। इस फोटो में अच्छा, इस फोटो में मैं अच्छा लग रहा हूँ, अंजलि बोल रही है। और यहाँ पे अंजलि के इतने लोग स्वयंवर पे गए थे, अंजलि के जितने भी साथी हैं जो स्वयंवर पे आए हुए थे, सारे लोगों का पिक्चर यहाँ पे ग्रुप पिक्चर है। एक कोई मतलब नहीं है इसमें, और वो मेरी बहन। और ये जब मैं निकल रही थी रूम से तब का पिक है। ये मेरा भाई है और ये मेरा अंकल है, और हम दोनों का यार ये कितना क्यूट लग रहा है, ये फोटो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है पिक्चर। और यहाँ पे मैं आपके चरण स्पर्श कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं आपकी आरती उतार रही हूँ। और ये फोटो, वाओ, ये पिक्चर बहुत ही मेमोरेबल है, बहुत ही अच्छा है फोटो, बहुत अच्छा है। इस पिक्चर में लॉकडाउन के बाद भी हम लोगों की जो शादी हुई थी ना उसमें, और इसके बाद आप देखिए यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे पिक्चर हम दोनों के है जो कि काफी अच्छा है। हमें पर्सनल जो है बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। इसमें देखिए ये मेरे को मंगलसूत्र पहना, यही वाला तो है जो मैं अभी पहनी हूँ, ये वाला जो कि आप मुझे पहना रहे हो इसमें है ना। और इस फोटो में देखिए हम दोनों पहली बार एक साथ में बैठे हुए थे इस फोटो में। हाँ। और यहाँ से हो गया आशीर्वाद आरंभ। ये सब गांव के मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ। हाँ ये मेरी मम्मी पापा है। हाँ ये भी गांव के ही है ना। नहीं, ये भी गांव के ही है, नहीं, ये पापा जी है, ये नाना जी है। हाँ, और ये मेरे दादाजी है, मतलब ये गांव के, ये भी दादाजी लगेंगे। और ये मेरी मासा मासी है, देखिए। अच्छा, ये मेरा भाई है, ये है अंकित, अंकित जिसे आप वीडियो में देखे हुए बहुत सारे वीडियो में, पापा जी दोनों पापा जी है, और अंजलि के पापा जी भी है साथ में। पापा जी देखिए कितना खुश लग रहे हैं। और यहाँ पे ये मेरे दादाजी, और ये भी ये मेरी मम्मी पर एकदम पूरा फूल पिका है इसमें। और ये मेरे मामा मामी हैं, और ये आपके जीजा जी है, मतलब मेरे भी जीजा जी है। और ये मेरी बहन है देखिए, जो मतलब एल्बम में हम लोग ने वो जो हम लैपटॉप से फोटो थी उसमें ये लड़की हंस रही थी, जो हम लोग रो रहे थे ये लड़की हंस रही थी। यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं कि ये है बिरेंद्र मेरा दोस्त। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों का जो फोटो, सब लोगों को आप गिफ्ट दिए वो सब है इसमें। और फिर इसमें मैं आपके चरण स्पर्श कर रही हूँ। इसमें मेरे भांजा है मिस्टर कृष्णमूर्ति राजा, और साथ में शंकर, संतोष और बिमल। इस पिक्चर में सारे मेरे दोस्त लोग हैं, राधे श्याम जी, मैं हूँ, गांधी जी है, और चंदन गोपाल जी भी है। चंदन गोपाल जी का मतलब वो जब देखेंगे एल्बम में बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, मतलब वो कभी देखे नहीं है। हाँ, एक्चुअली क्या ना कि चंदन जी मैं आपके लिए भी वीडियो बना रहा हूँ, आप देखिए, और आप इस एल्बम को कभी नहीं देखे मुझे पता है। और यहाँ पे कुछ क्लोजअप फोटो अंजलि का है जो कि काफी फैंटास्टिक लग रहा है, काफी अच्छी लग रही है अंजलि इस फोटो में। और इसमें मेरी मम्मी है, ये मेरी चाची है, और ये मेरी मासी है। और ये कौन है? मैं हूँ, मैं कौन नहीं जानता है हमको। और ये मेरी मासी है, और यहाँ पे मम्मी पापा, यहाँ पे मम्मी है, मम्मी नहीं पापा है, मम्मी है। और ये हमारा है अंजलि संगचंद प्रकाश। और ये जब आपको जब तिलक दे रहे हैं शादी में तब का फोटो जाए, और ये कुछ चढ़ावा देते वो। और ये है हमारा मंडप, देखिए कैसा सजा था लॉकडाउन में, वो भी सज गया बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे देन, यहाँ पे सब लोग वो जो कूटते हैं, यहाँ पे धान कूटने में रस्म हो रही है। इसमें पापा जी है, साजन भैया है, मैं हूँ, और यहाँ पे देखिए अंकित ना मुझे मरवा घुमाने के लिए ले जा रहा था उस समय का ये पिक्चर है। मेरा नाक आपको आपका पकड़ा हुआ है, यहाँ पे नाक पकड़ा हुआ है, खा रहे हैं। पता है शादी में क्या होता है, आप यहाँ पे जब
खाना खाना खा लिया ना, और फिर जो मतलब छोड़ देते हैं ना दुल्हन को खाना पड़ता था, तो फिर मैं भी खाई थी। और ये है विदाई का फोटो। मैं कितनी मतलब विदाई के समय में देखिए अंजलि कितनी सैड, मतलब क्या बोलते हैं ना, मैं रो रही थी बिल्कुल सैड हो गई थी एकदम कि अब तुम जाना पड़ेगा। पता है मतलब मैं ना हमेशा से बोलती थी कि मतलब मैं नहीं रोऊंगी, तो पता है अब मैं जाती हूँ तो बोलते रहता है, मतलब बोल रही थी कि नहीं रोएगी तो फिर क्यों रोएगी, तो पता है मैं क्या बोलती, मेरी मम्मी बोलती है अगर नहीं रोएगी तो पिटाई करेंगे इसलिए हम रोएंगे। और यहाँ पे देखिए अंजलि का ये लास्ट पिक्चर, अंजलि का ऐसे पिक्चर आई नहीं बेसिकली, यहाँ पे सारे लोग जो विदाई के समय होते हैं ना इमोशनल हो गए हैं, बट रूपा हंस रही है, कैमरे वाले को देख रहे हैं, कैमरे में फोटो खिंचा रहे हैं, हंस रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, विदाई के समय मेरे पापा जी थोड़ा सा हैप्पी है, अंजलि के पापा जी और दादाजी बहुत ही सैड है, क्योंकि विदाई के समय भाई ऐसा ही होता है। और ये हमारा स्वीट स्वीट फोटोज अब यहाँ पे ये पिक्चर लास्ट हो गया, पिक्चर अपने पास बहुत सारा है बट यहाँ पे इस वेडिंग एल्बम का क्लोजिंग हो गया। तो गाइस कैसा लगा हमारा ये वेडिंग का एल्बम कमेंट में बताइएगा। और हाँ बहुत लोग मतलब कमेंट कर रहे थे कि अपने शादी का एल्बम दिखाया तो हम लोग दिखा दिए है, तो मतलब लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। आशा है कि आपको पसंद आएगा वीडियो, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलता है एक नए वीडियो में अच्छे से ब्लॉग से, तो के लिए एज ऑलवेज राइड सेफ, ऑलवेज वियर हेलमेट, जय हिंद, वंदे मातरम।